जय हिंद जय जवान जय किसान देश के सभी क्रांतिकारी नौजवान साथियों को राजेश्वर यादव का प्रणाम। मेरे नौजवान साथियों सवाल उससे होना चाहिए जिसके हाथ में सत्ता होती है सवाल उससे होना चाहिए जिसके हाथ में पावर होती है सवाल उससे होना चाहिए जिसके हाथ में पुलिस होती है सवाल उससे होना चाहिए जिसके हाथ में बजट होता है मेरे नौजवान साथियों आज देश की स्थिति कोरोना की जिस महामारी से जूझ रही है शायद कि इसमें आप लोगों को सरकार की मदद करनी चाहिए और इससे बचने के लिए सिर्फ एक उपाय है लॉकडाउन और लॉकडाउन जो है यह केवल भारत का नहीं है यह डब्ल्यू एच ओ यानी विश्व स्वास्थ्य सेवा संगठन जो है उसके तहत जारी किया गया है कि अगर कोरोना को रोका जा सकता है तो सिर्फ और सिर्फ लॉकडाउन से लॉकडाउन में लोग अपने घरों में अपने आप को बंद किए हुए हैं और आप लोग लगातार सरकार का साथ दीजिए मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि आज लॉकडाउन जो चल रहा है इसे गरीब जनता आम जनता बड़े अच्छे से निभा रही है कि ऐसे लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं कि जो कि मजदूरी करके अपना जीवन गुजारते थे फुटपाथों पर फेरी करके अपना जीवन गुजारते थे यहाँ तक कि करोड़ों की संख्या में लोग ऐसे हैं कि जो कि भीख मांग करके अपना जीवन गुजारते थे लेकिन वो लोग भी लॉकडाउन का सीधे जो लॉकडाउन है उस लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं लेकिन इस लॉकडाउन के पालन में लगातार कुछ लोग भूख के शिकार भी हो रहे हैं तो लोग भूख का जो शिकार हो रहे हैं उसमें मैं देख रहा हूं कि लगातार आज की स्थिति यह है कि मैं देख रहा हूं कि इस जो अपने घरों में लोग बंद हैं जब वो अपनी राहत सामग्री लेने के लिए दैनिक उपयोग की चीजें लेने के लिए दुकानों पर जा रहे हैं तो वहां उनके साथ एक बड़ी लूट हो रही है और वह लूट ऐसे हो रही है कि जैसे आदमखोर गिद्ध होते हैं तो वह जो गिद्ध होते हैं आवाज कम कर लीजिए आवाज कम करिए जो गिद्ध होते हैं वह गिद्ध जो है कि लाशों को नोच नोच करके अपना पेट भरने का काम करते हैं ठीक उसी तरीके से आज जिस तरीके से किसानों के बच्चे मजदूरों के बच्चे कोई मुंबई में कोई दिल्ली में कोई नोएडा में कोई कलकत्ता में यानी हर जगह लोग लॉकडाउन में हैं। लेकिन कितने दिनों तक का उनके पास खाने का सामान है लोग दुकानों पर जा रहे हैं और जब दुकानों पे जा रहे हैं तो जो सत्तर रुपए की दाल मिलती है वह दाल उनको दो सौ रुपए की दी जा रही है जो दूध की पैकेट बीस रुपए का मिलता था वो चालीस रुपए में दिया जा रहा है जो सब्जी उनको बीस रुपए किलो आलू मिलती थी आज जो साठ रुपए सत्तर रुपए किलो दिया जा रहा है तो अगर देश के साथ इस देश के साथ सारे लोग खड़े हैं यहां तक कि अपने जान को जोखिम में डालकर पुलिस वाले अपनी जान को जोखिम में डाले हुए हैं उनको न मेडिकल की जानकारी है न कुछ उसके बावजूद लोगों की वो हिफाजत कर रहे हैं लोगों की मदद कर रहे हैं लेकिन यादम खोर जो व्यापारी हैं यह देश के लोगों को नोच नोच कर खा रहे हैं और जब भी इस देश के अंदर कोई आपदा आई है चाहे वह नोटबंदी रही हो आपने नोटबंदी में देखा होगा कि जिस तरीके का लूट व्यापारियों ने किया यानी कि अगर लोग अस्पतालों में इलाज कराने गए तो एक हजार के नोट लेकर के उनको सात सौ रुपए का वैल्यू दिया जाता था जो सामान खरीदते थे उसमें उनका सत्तर परसेंट मिलता था बाकी वो लूट कर लेते थे तो नोटबंदी में भी ये काफी पैसा कमाए और आज जब कोरोना बंदी हुई है कोरोना की महामारी से लोग जूझ रहे हैं और सारे लोग एक दूसरे के साथ खड़े हैं सरकार के साथ खड़े हैं लेकिन उसके बावजूद मैं देख रहा हूं कि जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं वह मांस की तरह मरे हुए जानवर की तरह यानी अपघटक पक्षी जो होता है जिसको गिद्ध कहा जाता है मरे हुए जानवर का शिकार करता है तो आज कोरोना में गरीब अगर देखा जाए तो एक तरीके से वह मरा हुआ है क्योंकि उसका रोजगार बंद हो चुका है वह मजदूरी नहीं कर पा रहा है फेरी नहीं कर पा रहा है फुटपाथों पे वह अपना सामान नहीं बेच पा रहा है और अगर उसके बावजूद अगर वह खाने के लिए अगर जा रहा है तो खाने के लिए जब जा रहा है तो उससे सामान चार चार गुना महंगा कर दिया गया है यानी कि ये व्यापारी देश के साथ खड़े नहीं हैं और हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमेशा व्यापारियों के साथ खड़े होते हैं जब से सरकार इनकी बनी है मैं देखा हूं कि वो किसानों के साथ कभी खड़े नहीं हुए मजदूरों के साथ कभी खड़े नहीं हुए क्योंकि जो किसानों का कर्ज होता है उसे जब माफ करने का नंबर आता है तो कहीं दस रुपए माफ होता है कहीं तिरानवे रुपए माफ होता है कहीं दस पैसे माफ होता है लेकिन इन व्यापारियों का आपने देखा होगा तो लाखों करोड़ रुपए माफ करते हैं उनको लगता है कि वास्तव में देश व्यापारी चला रहे हैं लेकिन आज वही व्यापारी आदमखोर गिद्ध बन बैठे हैं कि वो प्रधानमंत्री के साथ नहीं खड़े हैं वो देश के साथ नहीं खड़े हैं वो गरीबों के साथ नहीं खड़े हैं आज अगर गरीबों के साथ कोई खड़ा है तो वह पुलिस वाले खड़े हैं कि जिसको कि हमेशा से ये कहा जाता है पुलिस वालों को कि पुलिस वाले हमेशा जो है लोगों के साथ अन्याय करते हैं लेकिन आज जिस तरीके से पुलिस लोगों की मदद कर रही है वह जो है कि काबिले तारीफ है कि पुलिस वाले लगातार मैं देख रहा हूं मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूंगा कि पुलिस वाले किस तरीके से लोगों की मदद कर रहे हैं जो लोग भूख से तड़प रहे हैं उनकी कैसे मदद कर रहे हैं ये देखिए आपको एक वीडियो में दिखा रहा हूं इसकी आवाज बढ़ाइए थोड़ा सा चलिए कैसा हो गया है खड़ा नहीं होगा बंद हो गया ये देखिए कि पुलिस वाले किस तरीके से गरीबों का हाथ धुला रहे हैं सेनेटाइजर से मास्क लगा के उनको खाना दे रहे हैं आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पुलिस वाले इन गरीबों के साथ खड़े हैं ये वही पुलिस वाले हैं कि जिनके सामने गरीब आदमी जाने से कतराता है डरता है लेकिन आज वो स्थिति है कि ये लोग उनके साथ खड़े हैं लेकिन ये आदमखोर जो व्यापारी हैं यह गरीबों के साथ नहीं खड़े हैं यह देश के साथ नहीं खड़े हैं यह लोगों के साथ नहीं खड़े हैं और दूसरी बात यह है कि मैं ये देख रहा हूं कि लगातार चाहे वो सांसद हो चाहे विधायक हो सारे लोग देख रहे हैं कि एक लेटर पैड जारी कर रहे हैं कि हम जो है प्रधानमंत्री राहत आपदा राहत कोष में दस लाख दिया कोई कह रहा है हम पच्चीस लाख दिया कोई कह रहा है हम एक करोड़ दिया यह एक विडंबना है दुर्भाग्य है देश का कि सरकारी कोष से जो पैसा विधायकों को और सांसदों को आता है वह गरीब जनता के भला के लिए आता है गरीब जनता के विकास के लिए आता है रोड सड़क नाली खड़ंजा उसके लिए आता है या और सामान के लिए आता है यानी कि लोगों को दिक्कत ना हो सरकार उनको बांट देती है इसीलिए जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं उनको बांट देती है कि इतना ले जाके आप अपने कार्य क्षेत्रों में ले जाइए और वहाँ लगाइए लेकिन आज ये लोग क्या कर रहे हैं कि इसको फिर बैक कर दे रहे हैं वह पैसा फिर बैक कर दे रहे हैं इस पैसे को अगर इनको देना है तो ये अस्पतालों के निधियों में दें जो जिला अस्पताल हैं या जो क्षेत्रीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं कि जहाँ डॉक्टर जूझ रहे हैं उनके पास न तो मास्क है न उनके पास इंजेक्शन है न उनके पास बेड है तो यह पैसा अगर ये वहां देंगे तो वो कम से कम खरीदेंगे सारा हिसाब किताब देंगे तो लोगों की सेवा हो सकेगी और आधा बजट इनको सीधे पुलिस वालों को देना चाहिए जो पुलिस वाले आज जो लोग दिल्ली में मुंबई में कलकत्ता में या कहीं महानगरों में फंसे हुए हैं अपने घरों नहीं अपने घर नहीं जा पाए हैं लॉकडाउन में फंसे हैं आज पुलिस वाले उनको खाने की व्यवस्था कर रहे हैं अस्पताल ले जाने की व्यवस्था कर रहे हैं तो वो बेचारे अपनी सैलरी से कितना करेंगे तो यह बजट उनको थानों में भी देना चाहिए एस को देना चाहिए एस को देना चाहिए तो कम से कम ये भूखों लोगों भूखे लोगों को खाना तो खिला सके कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले समय में कि जो आज इटली की संख्या दिखाई जा रही है कि इटली में मरने वालों की संख्या कोरोना से छह हज़ार से ज़्यादा है यानी सात हज़ार है तो कहीं ऐसा ना हो कि जो देश के अंदर हमारे चालीस करोड़ लोग ऐसे हैं कि जो कि रोज़मर्रा की चीज़ें खरीदने के लिए अपने रोटी के लिए कपड़े के लिए चूल्हा जलाने के लिए जो कि डेली मजदूरी करते हैं डेली काम करने जाते हैं और उसके बाद उनका जीवन चूल्हा जलता है उनकी भूख शांत होती है लेकिन वो काम बंद है तो ये पुलिस वाले जो काम कर रहे हैं तो कम से कम इनको जो है बजट यहाँ भी देना चाहिए उनके लोगों तक देना चाहिए लेकिन ये लोग सीधे पल्ला झाड़ रहे हैं अभी कल मैं देख रहा हूँ एक सांसद महोदय कह रहे थे कि मुख्यमंत्री फंड में मैं एक करोड़ दिया हूँ और आप लोग दीजिए लेकिन मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने जो एक करोड़ का फंड दिया है वो आपका फंड है वो फंड तो गरीब जनता का फंड है जो गरीब जनता के लिए आती है वह फंड है और आप लोगों से अपील कर रहे हो अरे आपको पुलिस वालों को देना चाहिए पैसा जो अपनी जान जोखिम में डाल के लोगों को खाना खिला रहे हैं वह अस्पतालों में देना चाहिए बेड की व्यवस्था कराना चाहिए इंजेक्शन की व्यवस्था कराना चाहिए आज अस्पतालों की हालत तो वह है कि अगर आप अस्पतालों में जाइए तो वहाँ डिस्पोजल नहीं होता है एक्सरे मशीन नहीं है अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं है जाँच की कोई भी सामग्री नहीं है अस्पतालों में लेकिन आप लोग जो है वह फंड सरकार को दे रहे हो फिर से जो कि फिर वापस आने में उसको महीनों लगेगा तो आज जिस तरीके की स्थिति है इस तरीके की स्थिति में मैं ये कहूंगा कि जो भी दुकानदार हैं जो महंगे दामों में अपना सामान बेच रहे हैं वो इस तरीके से बेचते हैं तमाम साथी मुझे फोन करते हैं कभी दिल्ली से कभी नोएडा से कभी कलकत्ता से कभी मुंबई से जो लोग फंसे हुए हैं वो दुकानों पर जा रहे हैं तो सामान महंगा दिया जा रहा है और जब वो बात करते हैं कि इतना महंगा क्यों दे रहे हो तो सीधे वहां कह दिया जाता है मेरे पास नहीं है जाओ अब ये कुछ लोग कहते हैं कि ये नंबर जारी हुआ है जो सामान महंगा बेच रहे हैं उनको इस नंबर पे फोन करिए तो ये बताइए कि इस नंबर पे फोन करने से क्या होगा उनको वो सीधे बोल देंगे कि हमारे पास सामान नहीं है तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि ये जो पुलिस वाले हैं अगर ये देश की व्यवस्था को अगर सुधार सकते हैं देश के लोगों तक खाना पहुंचा सकते हैं देश के लोगों तक दैनिक चीजों को पहुंचा सकते हैं तो ये केवल पुलिस वाले ही पहुंचा सकते हैं तो इसलिए मैं ये कहूंगा कि सारी व्यवस्थाओं को इनके पास लैस किया जाए ये पहुंचाएंगे ये पूरी ईमानदारी पूरी निष्ठा के साथ काम कर रहे हैं और लगे हुए हैं अगर इनके ऊपर सरकार का दबाव न हो तो ये कभी गलत काम नहीं करते हैं लोग कहते हैं कि पुलिस वाले चोर होते हैं पुलिस वाले घुसखोरी करते हैं तो पुलिस वाले जो घुसखोरी करते हैं वो अपने लिए नहीं करते हैं जब उन पर दबाव बनाया जाता है कि फला थाने से इतना पैसा चाहिए मंत्रालय को फला चौकी से इतना पैसा चाहिए फला क्षेत्र से इतना चाहिए तब वो जाके लोगों को प्रताड़ित करते हैं लोगों से वसूली करते हैं तब भेजते हैं नहीं तो वसूली नहीं करते बहरहाल इस समय देश कोरोना से जूझ रहा है महामारी से जूझ रहा है लोग अपने घरों के अंदर हैं तो घरों के अंदर हैं तो लोग भूख से न मरने पाए इसकी विशेष तर देखना चाहिए लोगों को और जो अड़ोसी पड़ोसी संपन्न लोग हैं मैं उनसे भी कहूँगा कि अगर दिन में पांच रोटी खा रहे हैं तो दो रोटी कम कर दें और तो दो रोटी जो है भिखा जो कि भूख से तड़पने वाले गरीब लोग हैं उनको दें ताकि लोग जो कोरोना के खौफ में जी रहे हैं वो भूख का शिकार न हो भूख से न मरे अगर भारत कृषि प्रधान देश है जहाँ की अन्न पैदा होता है अनाज पैदा होता है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अनाज उत्पादक देश है अगर इस देश में कोई अगर भूख से मर गया तो यह देश के लिए दुर्भाग्य है देश का दुर्भाग्य है इसलिए मैं आप लोगों से यह कहना चाहूँगा कि इस देश में कोई भूख से न मरने पाए अगर कोई भूख से नहीं मरने पाएगा तो कोरोना जैसी बीमारी से लोग लॉकडाउन में रह करके लॉकडाउन में रह करके उसका अनुपालन करेंगे पालन करेंगे सरकार के साथ लोग खड़े हैं और खड़े रहेंगे और ख़ास करके मैं सांसदों और विधायकों से ये कहना चाहूँगा कि चुनाव के समय जो आप लोग लंगर लगवाते हैं लोगों को खाना खिलाते हैं ज़बरदस्ती उनको दारू पिलाते हैं और मुर्गा ले जाके बांटते हैं तो कम से कम आज आप लोग अनाज की व्यवस्था करिए चावल की व्यवस्था करिए लोगों को सब्जी की व्यवस्था करिए और ये फंड फिर वापस करने से सरकार के खाते में कुछ नहीं होगा इस फंड को आप जनता के बीच में ले जाइए अपने क्षेत्र में ले जाइए वहाँ लगाइए लोगों की जरूरत की चीजें खरीदिए उसको मुहैया कराइए क्योंकि देश इस समय महामारी की आपातकाल को झेल रहा है इसी के साथ जय हिंद जय जवान जय किसान